जय जिनेंद्र। तो वह तापस जिसने नाग नागिन को चीरा था, इस जन्म में संवर नाप का ज्योतिषी देव बना। और आपने जाना ना कि पाश कुमार को जाति स्मरण कैसे होता है? अयोध्या के राजा जयसिंह द्वारा एक दूत भेजा गया, जिसके द्वारा बहुत सारी भेंट सामग्री आई, जिसे देखकर पाश कुमार को जाति स्मरण हो गया। उसी समय वो उदासीन होकर 12 भावना बहाने लगे। लोकांतिक देव आए, वैराग्य हुआ तो उसकी प्रशंसा करने लगे, और वहीं पर तीसरा कल्याणक यानी तप कल्याणक मनाया गया। राजा 7 कदम पालकी लेकर चले, उसके बाद देव उनको लेकर चले गए। अश्व नामक वन में पहुंच गए, जहां उन्होंने दीक्षा धारण की, नमः सिद्देव्या कहते हुए। तो पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रथम पहर में पद्मासन में पाश कुमार ने महाव्रत धारण किए, और न केवल उन्होंने, उनके साथ साथ 300 और राजाओं ने दीक्षा धारण की, और अब वो साधना में लीन हैं। तो पाश कुमार जो कि अब मुनि पाश कुमार बन गए हैं, वो साधना में लीन हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो बोलिए मुनि श्री 108 कुंत सागर जी महाराज की जय। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय। भगवान 3 उपवास के साथ ध्यान मग्न हो गए। इसके उपरांत वह 3 उपवास के बाद आहारचर्या के लिए निकले और नाथ गुलर खेटपुर पहुँचे। और उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। राजा बड़ा पुण्यवान था, प्रभु को देख करके उसके हृदय में भक्ति उमड़ आई। उसने भक्ति भाव से पार्श मुनिराज को अर्थात पाश कुमार मुनिराज का पड़गाहन किया और नवदा भक्तिपूर्वक उन्हें आहार दान दिया। उसने प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध प्रासक मधुर अन्न दिया। इस प्रकार से आहार संपन्न हो रहा था और राजा के घर में पंच आश्चर्य हुए, मानो पुनः इस प्रकार का माहौल हो गया जैसे महोत्सव मनाया जा रहा हो। क्योंकि तीर्थंकर का आहार होता है, वहाँ पंचाश्चर्य अवश्य होते हैं। और आहार लेकर के पुनः भगवान वन की ओर चले गए। वे घोर तपस्या कर योग साधते थे, उनके दर्शन करने से सब शोक दूर हो जाते थे। इस प्रकार से भगवान पुनः ध्यानमग्न थे। एक दिन प्रभु दीक्षा वन में ध्यानमग्न हो रहे थे। वे जिन बार योग निरोध कर विरोध रहित कायेश्वर मुद्रा में खड़े थे। पहले जिसका वर्णन कराए हैं वह कमठ का जीव संवर नाम का ज्योतिषी देव हुआ था। उस समय वह विमान में बैठा हुआ आकाश मार्ग से जा रहा था। उसका विमान प्रभु के ऊपर छत्र की तरह रुक गया, क्योंकि जहाँ पर भगवान हो, मुनिराज हो, या फिर उपसर्ग हो रहा हो, या दुश्मन हो, शत्रु हो, या कोई बालक हो, ऐसे विद्याधरों के विमान, देवताओं के विमान आकाश में रुक जाया करते हैं। और उसका विमान ऊपर अटक गया। विमान के रुक जाने से उसी समय उसने अवधि ज्ञान से पूर्व बैर को जान लिया। उसको बहुत क्रोध आया, उसके नेत्र लाल हो गए और उसका सारा शरीर जलने लगा। उसने प्रभु पर महान उपसर्ग आरंभ कर दिया, जिसे देख करके कायर पुरुष भयभीत हो भाग जावे। चारों ओर अंधकार छा गया, गरज गरज कर घनघोर वर्षा होने लगी, पानी की मूसल के समान मोटी धारा बरसने लगी, भयंकर बिजलियां चमकने लगीं, वर्षा के जल में पर्वत और वृक्ष डूब गए, विकराल झंझनाहट करती हुई तेज हवा चलने लगी, बहने लगी, सारी पृथ्वी महासमुद्र के समान हो गई। फिर भी प्रभु सुमेरु के समान निश्चल खड़े थे। वह अज्ञानी दुष्ट कमठ का जीव विक्रिया के बल से अनेक प्रकार के उपद्रव कर रहा था। ऐसे उपद्रव भयानक उपसर्ग कर रहा है वह भगवान पर। कज्जल के समान काले रंग के बेताल भूत प्रेत आदि शोर मचाने लगे। उनकी भौहें बड़ी भयंकर थीं और वे बड़े मतवाले हाथी के समान गर्जना कर रहे थे। वे गले में मुंडमाल अर्थात मृतक खोपड़ी की माला पहने हुए थे और अपने लाल नेत्रों से लोगों को डरा रहे थे। वे मुख से आग उगल रहे थे और मारो मारो की निर्दयी ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार कमठ के जीव ने अनेक प्रकार के खोटे भेष बना बना कर बहुत उपसर्ग किए, परंतु 3 लोक के बंद जिन चंद के प्रति उसने धूल डालकर उसे अपने ही सिर पर लिया। जैसे कोई व्यक्ति चंद्रमा पर धूल फेंकता है तो वह वहां ना पहुंचकर फेंकने वाले के सिर पर ही गिरती है।
मैं कहा करता हूँ, मनुज ने होश को जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की बात है वह चांद पर आ गिरी। वैसे ही उन उपसर्गों को भगवान को कोई हानि नहीं पहुंची, परंतु उसके अशुभ कर्म का बंध अवश्य हुआ, जिसका फल उसे निश्चित ही भोगना पड़ेगा। इत्यादि उसने सब प्रकार से घोर उपसर्ग उसके व्यर्थ ही गए। जैसे रत्न दीपक को तेज हवा कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, उस उपसर्ग से ना तो प्रभु का चित्त चलायमान हुआ, न शरीर हिला और न धैर्यपूर्वक किए गए ध्यान में ही कोई बाधा पहुंची, परंतु इस अपराधी ने क्रोध के वशीभूत होकर वृथा ही अपनी बहुत हानि की। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति दूसरे को जलाने के लिए अपने हाथ में आग ले ले तो समझ लेना वह अवश्य जल जाता है, और जिसको जलाना चाहता है उसके यदि पुण्य सहायक हो तो वह जलता नहीं। इसी प्रकार से बंधु, विषय और कसायों के वश में हुआ प्राणी कौन कौन से विपरीत कार्य करके अपने कल्याणों का नाश नहीं करता, उसके इस स्वभाव को धिक्कार है। इस प्रकार से भगवान घोर उपसर्ग को सहन कर ही रहे हैं। इतने में क्या होता है, जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा था तब धर्णेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ, उसे भगवान के द्वारा किए गए उपकार का स्मरण हो गया। क्यों? क्योंकि नाग नागिन के जोड़े में उन पर उपकार किया गया था, और वह उसी समय पद्मावती को साथ लेकर जहाँ भगवान थे वहाँ आया। दोनों ने प्रभु को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रदक्षिणा दी। धर्णेन्द्र ने प्रभु के सिर पर फण मंडप बना दिया, जिससे कि प्रभु को जल वर्षाए और बाधा न पहुंचाए। जिस समय उस दुष्ट जोशी देव ने धर्णेन्द्र को देखा वह तत्काल भाग गया। यहाँ पर धर्णेन्द्र ने फन फैलाया ताकि पानी पत्थर आदि भगवान के ऊपर ना गिरे। यहाँ पर पद्मावती ने कुछ भी नहीं किया, ग्रंथकार कहते हैं मात्र धर्णेन्द्र ने ही फन फैलाया और धर्णेन्द्र ने ही सारी यहाँ पर उपसर्ग को दूर करने की व्यवस्था की, और उसे देख करके वह संवार देव भाग गया, क्योंकि दुर्बल की भाग जाने में ही कुशलता है। अब सब कोलाहल शांत हो गया, प्रभु साथ में उड़ स्थान में स्थिर हो गए। कर्मों का नाश करने के लिए विकल्प रहित आत्मध्यान करने लगे। भगवान ने चौथे गुणस्थान में पहले ही सात प्रकृतियों का नाश कर दिया था, पर आगे के गुणस्थान में उन धीर वीर प्रभु ने धर्म ध्यान के बल से तीन प्रकृतियों को और जीत लिया। प्रथम शुक्ल ध्यान के पद से छपक श्रेणी के मार्ग पर चढ़े, फिर नौवें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों का नाश किया और दसवें में लोभ प्रकृति का नाश किया। ग्यारहवें गुणस्थान को लांग करे बारहवें गुणस्थान में जा पहुँचे, वहाँ भगवान ने 16 प्रकृतियों का नाश किया। इस प्रकार कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश कर चार घातियों का नाश हो जाने से प्रभु को चैत कृष्णा चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान प्रकट हो गया। लोक और अलोक के सभी चराचर पदार्थ अपने स्वभाव और अनंत पर्याय सहित दर्पण की भांति प्रभु के केवल ज्ञान में एक साथ झलकने लगे। उनके अतुल्य और अनंत महिमा वाले चरण चतुष्टय प्रकट हो गए। उनका शरीर दिव्य परम औदारिक हो गया। उनके सामने करोड़ों सूर्य कांति भी हीन भासने लगी। उस समय प्रभु अलौकिक अद्भुत संपदा से मंडित हो गए। उनकी महिमा वचनातीत थी, वर्णन करने पर उसका अंत नहीं आ सकता। जैसे आकाश में चंद्रमा होता है, वैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होते प्रभु का शरीर प्रभु से इस पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा हो गया, अर्थात समोषण के 20000 स्वर्णमयी सीढ़ियाँ होती हैं और उसमें भी प्रभु सिंहासन से 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के उपरांत भगवान ने सभी को धर्म का उपदेश दिया, कल्याण का मार्ग बताया। पहले स्वयंभू नाम के प्रधान गणधर थे और 10 गणधर और हुए। अत्यंत उदास 350 पूर्वधारी थे, 10,900 मुनीश्वर शिष्य थे, 1400 अवधि ज्ञानी और 1000 केवल ज्ञानी थे। अनेक प्रकार की विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले 1000 मुनीश्वर थे, 750 मनापर्य ज्ञानी मुनीश्वर थे, बाद में विजय प्राप्त करने वाले 16,600 मुनि थे और आरिकाएँ 26,000 थीं। व्रतों का पालन करने वाले 1,00,000 श्रावक और 3,00,000 साविकाएँ थीं। इस प्रकार समूषण सुशोभित हो रहा था और इस प्रकार 12 सभाओं में के बीच में भगवान सुशोभित हो रहे थे। इसके बाद भगवान समूषण से विलग होते हैं और श्री पार्श्व प्रभु संबित शिखर पर्वत की ओर आ गए। 1 महीने तक प्रभु ने मन वचन काय रूपी योगों का क्रियाओं का निरोध कर लिया, अर्थात योग निरोध पर बैठ गए। सूक्ष्म कायोग में स्थिति करके तीसरे शुक्ल ध्यान सहित सहयोगी स्थान को स्वयं छोड़कर प्रभु अयोग पद में आ गए।
क्योंकि समोषण को छोड़े बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। योग निरोध करना पड़ता है, अर्थात मन वचन काय की सूक्ष्म क्रिया को भी रोकना पड़ता है। वहाँ 5 लघु अक्षर प्रमाण स्थिति है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल से 2 अंतिम समयों में प्रभु ने 72 और 13 कुल 85 कर्म प्रकृतियों का नाश कर दिया। इस प्रकार भगवान कर्मों को जीतकर एक समय में मोक्ष पहुंच गए। प्रभु के साथ अन्य 36 मुनीश्वरों ने भी मोक्ष प्राप्त किया। वे श्रावण सुदी सप्तमी निर्मल विशाखा नक्षत्र में संसार को छोड़कर मोक्ष गए और परम सिद्ध परमात्मा को प्राप्त हो गए, अर्थात सिद्ध परमात्मा बन गए। इस तिथि को मोक्ष सप्तमी के नाम से, मुकुट सप्तमी के नाम से आप जानते हैं। इस प्रकार आपने समझा भगवान पारसनाथ के जीवन का चरित्र। इस चरित्र को सुनकर के, पढ़ कर के हमें शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान का पूरा जीवन परोपकारमय रहा। उनके जीवन में क्षमा, समता, करुणा और बहुत सारे ऐसे विशेष गुण रहे। उन्होंने उपकारी पर भी उपकार किया और जिसने अपकार किया उस पर भी हमेशा उपकार किया। ऐसा जीवन हमारे जीवन में भी आए, अर्थात हमारा जीवन भी ऐसा बने, हम भी क्षमा, करुणा आदि और क्षमता को विकसित कर सकें, अवसर और परिचय को सहन कर सकें। ऐसे पास भगवान के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। हमें आशा है, विश्वास है, आप सभी लोग इस चरित्र को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।